प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज हम बच्चों कक्षा 9 विषय विज्ञान के अध्याय 11 जिसका नाम कार्य तथा ऊर्जा है के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैकेनिक्स में जाएंगे तो यह मैकेनिक्स का बहुत ही मेन पार्ट रोल अदा करता है। आप जब हायर क्लास में पढ़ेंगे तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से और हर चीज़ों को समझिएगा, और निसंदेह इसमें आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए, हमें इसमें पढ़ना क्या है, कार्य ऊर्जा की अवधारणा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा व इसके प्रकार, गृह कार्य। बच्चों, यह लेसन मैंने टोटल 2 भाग में बांटा है, जिसका पहला भाग ये है, दूसरा भाग आपको हम फिर अगले वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कार्य, आप सब हम कार्य से बच्चों परिचित ही होंगे। देखिए, मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है कि एक व्यक्ति इस बक्से को या बल लगा के धक्का दे रहा है, एक व्यक्ति इस बक्से को लेकर चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से हमारे जीवन में होते हैं कि हम कोई सामान उठाते हैं, लेके चलते हैं, किसी चीज़ को धक्का देते हैं, खींचते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने कार्य किया, हमने कार्य किया। अगर किसी चीज़ को धक्का दिया, खींचा, कुछ ले गए, कुछ किए, हम कहते हैं हाँ भाई, हमने आज इतना कार्य कर लिया है। तो वास्तव में कार्य जो है क्या है बच्चों, तो हम उन सभी क्रियाओं को जिनमें बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ये बहुत बात ध्यान दीजिएगा, वस्तु की स्थिति अवस्था में क्या होना चाहिए, परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्य कहते हैं। यानी कि कार्य में 2 चीजें बहुत ही जरूरी हैं, एक बल और दूसरा विस्थापन। यानी कि हम जिस वस्तु पर बल लगाएं वह बल वस्तु क्या होनी चाहिए, अपनी जगह से खिसकनी चाहिए, उसकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। अगर हो रहा है तो कार्य होगा, अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी दीवार को पुश करूं, धक्का दूं, कितना भी बल लगा लूं, दीवार नहीं खींच सकती है, तो वास्तव में वैज्ञानिक रूप से हमने कोई कार्य नहीं किया। हालांकि हम थक जाते हैं, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा होती है वो होती है, तो उससे थकान लगती है, लेकिन कार्य होता नहीं है, क्योंकि वो दीवार विस्थापित ही नहीं हुई, ठीक। तो इसलिए हम यह जान गए कि कार्य के लिए बल और विस्थापन दोनों का होना आवश्यक है। अब आइए इसी क्रम में एक नियत बल द्वारा किया कार्य की गणना हम कैसे करते हैं। तो बच्चों, यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाने से वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन D हो जाए, विस्थापन कितना हो जाए, D हो जाए, तो इस स्थिति में किया गया कार्य W है, तो किया गया कार्य जो होगा वो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी W बराबर F into D, F गुणे D। देखिए, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैंने यहां से इसको खिसकाया बल लगा के, देखिए ये बल F है, और यहां से यहां तक में इसमें विस्थापन कितना हो गया, D, बल की दिशा में हुआ, तो इसका जो कार्य होगा बच्चों वो F गुणे D होगा, यानी बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। अब इसी क्रम में देखिए, ये बल गुणे विस्थापन, ये फार्मूला आ गया, ठीक। लेकिन यह फार्मूला तभी लगता है बच्चों जब विस्थापन बल की दिशा में हो, बल विस्थापन में बात याद रखिएगा, जब विस्थापन बल की दिशा में हो तब ये फार्मूले हम सूत्र का उपयोग करते हैं। वस्तु पर लगे बल F या बल की दिशा में विस्थापन, S कहिए, विस्थापन को S भी कह सकते हैं, और हम बच्चों यहां पे मैंने D लिखा है तो इसको आप D भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से किसी एक के भी शून्य होने पर किए गए कार्य का मान शून्य होता है, यानी अगर बल 0 हो जाए तो भी कार्य 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 है तो भी कार्य क्या होगा, 0। यानी कि कार्य के लिए न बल 0 होना चाहिए और न ही विस्थापन 0 होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, ठीक। कार्य का मात्रक क्या होगा बच्चों, देखिए यहां से आप, कार्य बल है, ये बल का मात्रक आपको पता ही होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक कितना होता है, मीटर, तो न्यूटन गुणे मीटर, और न्यूटन गुणे मीटर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, जूल, क्या बोलते हैं, जूल। इस प्रकार कार्य का जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर या जूल होगा, न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, तो इसका एक मात्रक और निकल के आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, क्या निकल के आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, ये भी निकल के आएगा, लेकिन प्रचलित भाषा जो है वो जूल ही है, न्यूटन मीटर है, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए ध्यान से। आइए हम आगे चलते हैं, एक नोट देखिए, यदि बल तथा विस्थापन के बीच कोण थीटा हो
तो वस्तु पर कृत कार्य कितना होगा? अब देखिए, अब यहां पर विस्थापन बल की दिशा में नहीं हो रहा है, तो बल इधर है, विस्थापन इधर हो रहा है, कितना एंगल पर है ये? ये कितने एंगल बच्चों है? देखिए यहां पर ये थीटा एंगल पर है, ठीक है ना? तो थीटा एंगल पर होने के कारण अब यह जो यहां पर कार्य होगा बच्चों, वो W बराबर एफ डी कॉस थीटा होगा। एफ डी कॉस थीटा हुआ क्या कि इस बल को हमने दो भागों में वियोजित कर दिया। इसका जो एक भाग इधर आएगा, चूंकि थीटा एंगल पर है, तो इसका इधर वाला जो मान आएगा एफ कॉस थीटा, और जो इधर मान आएगा बच्चों वो होता है साइन थीटा। जब आप वियोजन पढ़ोगे सदिश राशियों में फर्स्ट ईयर में, तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आप यहाँ ये थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए कि एफ को जिस लाइन से थीटा एंगल बनता है, इस लाइन से थीटा बनना है तो इस पर इसका वैल्यू कॉस आएगा और इसके लंब दिशा में ये साइन आएगा। अब देखिए विस्थापन इधर हो रहा है और इस दिशा में बल कौन सा लेंगे? एफ नहीं, कौन सा लेंगे? एफ कॉस थीटा, एफ का वियोजित भाग, यानी एफ का जो इधर वाला प्रभाव है, तो इसलिए इसका मान आएगा एफ डी कॉस थीटा। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? तो इस हिसाब से एक फार्मूला भी मिलके बन गया कि अगर हमें बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा पता हो तो फार्मूला एफ डी कॉस थीटा से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए अधिकतम तथा न्यूनतम कार्य क्या होगा, उसी आधार पर बताया गया है बच्चों। किसी नियत बल द्वारा विस्थापन बल की दिशा में हो, अर्थात बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 0 डिग्री हो, तो कार्य अधिकतम और धनात्मक होगा। यानी बल के दिशा में ही विस्थापन हो रहा है तो कार्य उस समय अधिकतम होगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है और धनात्मक होगा। यदि नियत बल द्वारा विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, यानी कि बल इधर लग रहा हो और विस्थापन लंबवत हो, या बल इधर लग रहा हो विस्थापन लंबवत, यानी कोण 90 हो, तो कॉस 90 का मान 0 होता है। कॉस 90 का मान 0, तो W बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, आगे समझ में? यानी अगर बल इधर है और विस्थापन इधर है, कोण एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री, तो कार्य कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0? क्योंकि कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। और यदि नियत बल द्वारा विस्थापन बल के विपरीत, यानी बल इधर लग रहा हो और विस्थापन इधर, अब दोनों अपोजिट हो, तब उस समय देखिए अगर बल इधर एफ है और इधर विस्थापन है, ठीक, तो इनके बीच का कोण कितना है? ये 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान माइनस होता है, तब W जो होगा वो निगेटिव आएगा। क्या आएगा बच्चों? ऋणात्मक आएगा। तो इस प्रकार से यदि थीटा की वैल्यू, किस कौन से थीटा, बल और विस्थापन के बीच की, 90 से कम है तो W यानी कि पॉजिटिव कार्य आएगा। अगर थीटा एग्जैक्ट 90 है विस्थापन और बल के बीच का कोण, तो कार्य 0 हो जाएगा। और यदि थीटा की वैल्यू 180 और 90 के बीच में, 90 से ज़्यादा है, 180 के कम है, तो उस समय W क्या आएगा? निगेटिव आएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो इस प्रकार से यह इसके कई प्रकार से मान हो सकते हैं। जिस पर एक आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कुली 15 किलोग्राम की वस्तु धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। तो देखिए एक वस्तु थी, यहां से इसने उठाया, कुली ने, कितना ऊंचाई? 1.5 मीटर। ठीक, 1.5 मीटर यहां देखिए, और कितना बल लगाया होगा बच्चों? तो बल जो लगाएगा वो वस्तु के भार के बराबर, भार मतलब गुरुत्व बल, जिस बल से हर वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है उसको हम बोलते हैं गुरुत्व बल या भार वस्तु का, यह mg होता है। तो इसे इतने ही बल ऊपर लगेगा तभी तो वस्तु ऊपर जाएगी। तो जो F होगा वो बच्चों किसके बराबर होगा? वस्तु के भार mg के बराबर, और विस्थापन कितना हो रहा है बच्चों? 1.5। तो कार्य कितना होगा? बल गुणे विस्थापन, यानी कि mg गुणे d, और m कितना है बच्चों? 15 किलोग्राम। ये देखिए यही तो m है, और जी की वैल्यू कितनी दी है? गुरुत्व त्वरण 10, और डी कितना है बच्चों? 1.5। तो आप इसका गुणा करेंगे, ये 15 गुणे 10 150, और गुणे 1.5 बच्चों, तो कितना आएगा? 225 जूल। कार्य का मात्र क्या होता है? जूल। तो ये गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? इसी प्रकार अब ये सवाल देखिए, इस सवाल में एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 20 मीटर विस्थापित कर दिया जाए, तो वस्तु पर कृत कार्य की गणना करो।
आसान सा सवाल है बच्चों, W बराबर कितना होता है? F इंटू डी। कितना बल लगाया आपने? 10 न्यूटन, ठीक। और कितना विस्थापित किया? 20 मीटर। सिंपल सवाल है, 20 गुणे 10 कितना आता है? 200 जूल। ठीक, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से यह जो कार्य हो गया कितना हो गया? 200 जूल, बल गुणे विस्थापन से, और बल विस्थापन जो है बल की दिशा में हो रहा है। तो इस प्रकार आप कार्य पर आधारित सवाल हमको लगता है कर लेंगे, अपने बुक से और भी करी कोशिश करिएगा। आइए हम आगे चलते हैं इसी क्रम में। ऊर्जा की अभिधारणा, वास्तव में ऊर्जा है क्या? तो सिंपल सी चीज है बच्चों, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। हम जो कार्य करते हैं वो क्षमता जो है वही क्षमता कार्य करने क्या है हमारी, वो क्या कहती है? ऊर्जा। जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उससे हमको ऊर्जा मिलती है, उसी से हमें कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है ना बच्चों। कोई भी मशीन हो चाहे मानव हो, उसको एनर्जी चाहिए, जब एनर्जी उसमें रहेगी तो वो कार्य करेगा। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वह उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल। इस प्रकार इससे सिद्ध होता है कि कार्य और ऊर्जा क्या है, आपस में परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में हम आपस में बदल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का मात्रक जूल होता है। संसार में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहुत सारे जितने भी ऊर्जाएं हैं वो सब क्या है? ऊर्जा के विभिन्न बच्चों रूप हैं। तो आइए हम इन रूपों को एक एक करके देखें क्या होते हैं। पहला है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण, जो गति के कारण कार्य करने की क्षमता आती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे के से निरूपित करते हैं, देखिए कैपिटल के से निरूपित करते हैं। आगे समझ में, जैसे बंदूक से छोटी गोली में लक्ष्य को भेदने की क्षमता होती है, जो बंदूक से गोली निकलती है वो लक्ष्य को क्या भेद देती है, इतनी क्षमता होती है, अर्थात यह उसकी क्या है? गतिज ऊर्जा है जो वो कार्य करती है छेदने का। आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता होती है, गतिशील हथौड़े में कील गाड़ने की क्षमता होती है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल, हम फुटबॉल को पैरों से मारते हैं, फुटबॉल चलने लगती है, उसमें गति ऊर्जा आ जाती है, ठीक है ना। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इसके बच्चों। गतिज ऊर्जा की माप कैसे करेंगे ये देखिए, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा है, कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु को विरामावस्था से, कहां से बच्चों? विरामावस्था से, यानी कि रुकी हुई अवस्था से, वर्तमान वेग जो इस समय वो वेग प्राप्त कर चुकी है, चल रही है, प्राप्त करने की अवस्था तक लाने में किया गया कार्य है जो है उस कार्य के से की जाती है। इसका व्युत्क्रम, माना किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है विराम अवस्था में उसका प्रारंभिक वेग जीरो होगा, इस पर एक अचर बल f लगाने पर इसमें a त्वरण उत्पन्न होता है। जब हम बल लगाएंगे तो f बराबर ma होता है ना, गति के दूसरे समीकरण से, न्यूटन के दूसरे नियम से, तो f बराबर ma त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तब न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार f बराबर ma से a बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों? हमको f बटा m मिल जाएगा, f बटा m। अब हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे इसमें। माना कि यस दूरी चलने में वस्तु की चाल v हो जाती है, गति के समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के अनुसार, देखिए ये तीसरा समीकरण होता है गति का, ये तीसरा समीकरण है, 2as के अनुसार यहां u बराबर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु कहां थी शुरू में? विराम अवस्था में थी। जैसे फुटबॉल को हमने पैर से मारा तो शुरू में फुटबॉल के रुकी हुई थी ना, तो यू बराबर जीरो रख देंगे। अगर यहां पर हम रखेंगे जीरो तो वी इसका बराबर टू ए एस हो जाएगा। और अभी अभी आपने देखा है यहां पर, ये देखिए यहां पर आपने ए बराबर कितना होता है? एफ बटा एम, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। तो ए का मान हम यहां पर एफ बटा एम, ये ए है ना, रख देंगे। आगे समझ में, और ये जो है देखिए F इंटू डी, यहाँ दो से इधर भाग देंगे ये, यानी कि दो से इधर भाग दिया तो एक बटा दो वी स्क्वायर बराबर एफ बटा एम गुड़े डी, और फिर नीचे m से गुड़ा करेंगे इधर बाएं तरफ तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर f गुड़े क्या मिलेगा? d मिलेगा। आप इसको 75 करेंगे तो ये प्राप्त होगा। और f गुड़े d क्या होता है बच्चों? किया गया कार्य होता है। तो यानी यही क्या है? वो कार्य है जिससे वो वस्तु क्या हुई? गतिमान हो सकी। और यही कार्य क्या होती है? उस वस्तु के गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है, ठीक है ना, गति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो एफ गुणे डी को हम क्या बोलेंगे? के भी बोलेंगे। तो के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इस प्रकार
हमें गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला मिला वो के बराबर किया गया कार्य बराबर हाफ द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग, ठीक ना, द्रव्यमान गुणे चाल का वर्ग या वेग का। तो ये फार्मूला हमको मिल गया के बराबर डब्लू बराबर डब्लू बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। यह गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है बच्चों। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा उसकी चाल के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है, ठीक। अब आइए हम आगे चलते हैं। अब इसी पर हम जरा एक सवाल देख लें। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बहुत आसान सा सवाल है। यम बराबर कितना दिया है बच्चों? 15 किलोग्राम। और चाल कितनी दी है बच्चों? 4 मीटर पर सेकंड। और वस्तु की गति ऊर्जा निकालनी, के बराबर फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर से बच्चों क्या हो जाएगा? 1/2 और गुड़े एम का मान कितना है? 15 और वी का मान कितना है? 4 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर होता है ना। तो ठीक, तो 4 चौका 16, 16 को 2 से काटेंगे तो 8 आएगा और 15 × 8 कितना होता है? 120 जूल। इस प्रकार 120 जूल आ गया। कर लिया आपने। आगे देखिए एक सवाल और है। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार, यम बराबर कितना दिया है बच्चों? 1000 किलोग्राम। 50 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, 50 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। वह 25 मीटर चलकर रुक जाती है, यानी कि उसका विस्थापन दिया है या एस एफ डी 25 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित बल की गणना करो, यहां बल निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? बल गुणे विस्थापन बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। जो किया गया कार्य होगा उसको रोकने में वो उसकी गति ऊर्जा के बराबर होगा। और यहां से हम बच्चों करेंगे, हमें निकालना क्या है? एफ, तो एफ को छोड़ देंगे। विस्थापन कितना दिया हुआ बच्चों? 25, यहां 25 रखेंगे। 1/2, एम का मान कितना है? 1000 और इसका मान कितना है? 50, 50 का वर्ग कर देंगे, वर्ग होता ही है, इसको 2 से हम काट देंगे तो ये 500 हो जाएगा और 25 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा। और 50 × 25 कितना हो जाएगा? 50,000 न्यूटन। आप इसको हल करेंगे तो 50,000 आपको मिल जाएगा, ठीक। आगे बच्चों समझ में? तो ये हो गया उसका उत्तर। न्यूटन बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। समझ में आ गया ना? एफ गुड़े डी बराबर हाफ। किया गया कार्य बराबर किससे? गतिज ऊर्जा से। डब्ल्यू बराबर किससे? गतिज ऊर्जा या गति ऊर्जा में परिवर्तन, उसका प्रारंभिक वेग जो भी था 50 और अंतिम में 0 हो गया, तो टोटल उसकी जो एनर्जी में परिवर्तन होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर के ही बराबर होगा। क्लियर आ गया? अगर यहीं पे मान लीजिए 0 ना कहता बच्चों, रुक कहता कि उसकी चाल 50 से घटकर 20 हो जाती है, रुकती नहीं, तो आप यहां पे क्या करते? हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस हाफ एम V2 स्क्वायर, उनकी गति ऊर्जा में परिवर्तन निकालते। प्रारंभिक वेग का वर्ग माइनस अंतिम वेग का वर्ग, हाफ एम तो कॉमन निकल जाता तब उससे होता, क्योंकि अंतिम वेग 0 हो गया तो इसलिए उसको आप लिखें चाहे ना लिखें बात बराबर है, ठीक। समझ में आ गया? अब आगे चलिए आप, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे स्थितिज ऊर्जा, हमने गति ऊर्जा पढ़ लिया, अब हम देखते हैं स्थिति ऊर्जा क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी हम स्थिति ऊर्जा यू कहते हैं। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में निहित होती है सकती है, जैसे गुरुत्वीय, प्रत्यास, स्थिर वैद्युत, चुंबकीय, रासायनिक ऊर्जा, ये सभी की सभी क्या होती हैं? स्थितिज ऊर्जा होती हैं। ये क्यों आती हैं? उसकी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण उत्पन्न होती है। यानी अगर किसी वस्तु में उसको हम नीचे उठा के ऊपर रख दें या उसको हम चल रही थी उसको रोक दें तो जो उसकी गति ऊर्जा थी वो उसकी स्थिति में परिवर्तित हो जाएगी और उसको क्या बोलेंगे हम? स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है ना। या किसी चीज को दबाएं या फैलाएं तो उसकी विकृति के कारण जो ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसमें आइए एक एक करके देखते हैं। पहले प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक। स्प्रिंग को दबाने में उसकी प्रत्यास्थता के कारण जो कार्य किया जाता है, स्प्रिंग होती है ना, उसको दबाओ या फैलाओ दोनों चीज है,
वह स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है, क्योंकि हम तो कार्य तो कर रहे हैं ना, जब कार्य करेंगे तो कार्य तो नष्ट होगा नहीं, वो किसी न किसी ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो हमने यहाँ जो कार्य किया वो स्प्रिंग को दबाने में किया, तो वो कार्य क्या होगा, वो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और जो ही स्प्रिंग को हम छोड़ेंगे वो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा में होगी परिवर्तित और स्प्रिंग को झटका देगी, यानी उसकी चाल बढ़ जाएगी। आगे समझ में, यानी एक ऊर्जा का रूपांतरण दूसरी ऊर्जा में होता रहेगा। यह स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका फार्मूला होता बच्चों 1/2 kx², जहां पे k जो होता है स्प्रिंग की प्रत्यानन गुणांक होता है, और x उसकी साम्य अवस्था से उसका विस्थापन। मान ली स्प्रिंग इतनी बड़ी है तो यहां से इतना खींचा वो x हो गया, और यहां से इसको दबाया तो वो जो विस्थापित दबी दूरी वो x हो गया, चाहे खींचे चाहे दबाइए। के किसी स्प्रिंग का के ज़्यादा होने का मतलब कोई स्प्रिंग हार्ड है, उसको खींचना आसान नहीं है, और के कम होने का मतलब स्प्रिंग सॉफ्ट है, बड़े आसानी से खींच जाती है या दब जाती है, ठीक है ना, इससे ये होता है। तो ये देखिए एक फिगर स्प्रिंग का है, चाहे इसको हम खींचें चाहे इसको हम दबाएं, इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम बोलेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, और उसका मान कैसे निकालेंगे, यू बराबर 1/2 kx² से। ठीक, जब आप हायर क्लास पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, यह भाग दो में भी बताया जाएगा लेकिन यहां पर भी मैंने दे दिया है, पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण बल के विरुद्ध, अगर कोई पिंड है तो हम उसको जब ऊपर उठाते हैं तो जाहिर सी बात है पृथ्वी तो हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो उस बल के विरुद्ध, पृथ्वी द्वारा जो बल होता है उसके विरुद्ध हम ऊपर की ओर खींचने में कार्य करते हैं ना बच्चों, तो विरुद्ध ऊपर उठाने में जो कार्य किया जाता है वह उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे U बराबर हम mgh से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, U बराबर mgh, जहां m उस पिंड का द्रव्यमान है, g उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण है, और h जितनी ऊंचाई हमने उठाया है वस्तु को वह ऊंचाई है। तो यह U बराबर mgh, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब आता है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत आवेश भी एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, अतः आवेशों के निकाय में भी स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे हम स्थिर वैद्युत या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। U बराबर 1/4 πε0 kq1 q2 r। ये फार्मूला होता है बच्चों, Q1 Q2 क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, यहाँ इनके बीच की दूरी r है, तो इनका जो सिस्टम बना, इस सिस्टम में एक जो स्थितिज ऊर्जा होगी जिसको हम बोलेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U, उसका मान होगा 1/4 πε0 kq1 q2 r, ε₀ जो होता है वो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू होती है 8.86 × 10−12, और 1/4 πε0, इसका जो पूरा का पूरा मान होता है ये 9×10⁻⁹ होता है, 9×10⁻⁹, और k जो है माध्यम का परावैद्युतांक है ये दिया रहता है, तो इस पर लग के हम वैल्यू निकालते हैं। हालांकि इसे आप फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, इस काल में जान लीजिए क्या होता है, ठीक है ना, इसको जानकारी जरूरी है कि इनमें भी स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा होती है, यानी जब ये निकाय कभी भी जब टूटेगा, मतलब दूर जाएंगे आवेश, तो फिर यही ऊर्जा उनको दूर जाने में सहायक होगी, किस रूप में, गति ऊर्जा में या किसी अन्य ऊर्जा में परिवर्तित होगी, ठीक है ना। ये आसानी से पास आते नहीं, इनको लाना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, वही कार्य इस रूप में संचित हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। चुंबकीय स्थिति ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी गतिमान आवेश अथवा धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें कार्य करने की उत्पन्न जो क्षमता को हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों। ठीक, रासायनिक ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के ईंधनों में स्थित तीज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जो भी कोयला है, पेट्रोलियम है, लकड़ी है, उन सब में जो ऊर्जा होती है बच्चों वह स्थितिज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में उन्हें में संचित रहती है। ठीक है ना, आ रहा समझ में। तो नाभिकीय ऊर्जा, यूरेनियम, रेडियम तथा थोरियम आदि तत्वों के नाभिक में मूल कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की विशेष अवस्था के कारण जो स्थितिज ऊर्जा निहित होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश व ऊष्मा के रूप में होता है। बच्चों आपने परमाणु बम, हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सब नाभिकीय ऊर्जा के ही एग्जांपल हैं। जब नाभिक टूटता है तो बहुत अपार मात्रा में बच्चों ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य में जो ऊर्जा का कारण है, ऊष्मा कारण है, जो प्रकाश ऊष्मा मिलता हमको, सूर्य हमको एक धड़कते गोले की तरह दिखता है, वह आग का गोला, वह नाभिकीय संलयन के कारण होता है। उसमें हाइड्रोजन
जो परमाणु होते हैं जुड़ते रहते हैं, और उसमें जो जुड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है वो हमें प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। चाहे नाभिक टूटे, जैसे परमाणु बम में विखंडन हो बच्चों, या फिर उनका संलयन हो। तो आइए बच्चों, अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि गृह कार्य क्या। गृह कार्य में देखो बच्चों, 10 किलोग्राम के किसी पिंड का संवेग 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो पिंड की गति ऊर्जा कैसे है। तो बेटा संवेग क्या होता है बच्चों, तो संवेग के लिए आपको पता ही है। देखिए यहाँ पे ये m दिया हुआ है, m बराबर ये 10, और संवेग को बोलते हैं बच्चों m गुणे v, यानी कि m इंटू v बराबर है 100, और m का मान कितना है बच्चों 10। तो आप जब ये m का मान 10 यहाँ रखोगे तो कटोगे तो ये v का भी इससे आप मान निकल जाएगा, ठीक। और आपको गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, k बराबर 1/2 m v स्क्वायर से आप गति ऊर्जा गणना कर सकते हैं। ये हिंट हो गया, आप कर लीजिएगा। ऐसे ही किसी 4 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसके संवेग की गणना कीजिए। इसी का ठीक उल्टा है, तो फिर से देखिए यहाँ पर m का मान कितना दिया हुआ है, 4 किलोग्राम m दिया हुआ है ये, ठीक। और गतिज ऊर्जा नहीं, k दिया हुआ है 200 जूल, और संवेग निकालना है नहीं यम भी निकालना है। संवेग को द्रव्यमान गुणे वेग कहते हैं, ठीक। तो यम पता है, के पता है, तो पहले आप के बराबर कितना होता है 1/2 यम वी स्क्वायर से आप के का मान 200 यहां रखोगे, यम का मान 4 यहां रखोगे, पहले वी निकल जाएगा। जब यहां से वी निकल जाएगा बच्चों, तो ये वी का मान और ये एम का मान इसमें रख दोगे तो आपको संवेग मिल जाएगा। कर लेंगे आप। और लास्ट देखिए कि क्या होता है बच्चों, लास्ट लास्ट वाले में एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। देखिए इसको मैं कर रहा हूं, यानी कि के का मान दिया है 400 जूल। बहुत आसान सवाल है, पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन यानी एफ का मान दिया है 25 न्यूटन का बल लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा। मान लीजिए डी दूरी विस्थापित होकर रुक जाएगा, तो फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर के, जो कार्य होता है वो गति ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, और W जो होता है वो बल गुणे क्या होता है बच्चों, विस्थापन होता है। समझ में आ रहा होगा आपको, तो W की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, F गुणे D और बराबर कितना K। क्लियर। F का मान देखिए 25, K का मान कितना है 400, और D का मान पूछ रहा है 400/25 करेंगे कितना आएगा 16 आएगा बच्चों, ये 16 आंसर दिया हुआ देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार हमें आशा है कि आपने यह गृहकार्य कर लेंगे। इस आधार पे आप अपनी किताब से और भी अन्य क्वेश्चनों को करने का प्रयास करिएगा। और इसी के साथ हम यह भाग समाप्त करते हैं। हम इसके अगले भाग जिसका अंतिम भाग होगा के साथ आपसे जल्द मिलेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।